जी अस्सलाम वालेकुम टीचर स्टूडेंट्स जी बच्चों आज हम करने वाले हैं क्लास नाइन्थ की मैथ। और आज बच्चों हम भावलपुर का सेकंड बोर्ड जो हल करेंगे 2023 का एनुअल 2023 भावलपुर बोर्ड का बच्चों आज हम हल करेंगे पेपर। और क्वेश्चन नंबर बच्चों आपका 2 है। तो बच्चों ये मैंने पहला जो तीसरा जो किया और इसका चौथा जो जो लिखा हुआ है आपके सामने। तो इनके लिखने का मतलब बच्चों ये तारीफें हैं इसलिए मैंने पहले लिख दिए। सबसे पहले बच्चों आप कहें कि सलासी कसीयत की तारीफ करें। तो बच्चों ये वाला उल्टा है लिखते हैं, इसका मतलब होता है फॉर आर यानी तमाम के लिए, यानी तमाम अगर ए और बी मेंबर आर के हो। तो बच्चों ये सलासी कसीयत ये है कि तमाम के लिए ए और बी अगर मेंबर आपके आर हो तो ए या ए से बड़ा होता है या ए और बी आपस में बराबर होते हैं या ए बी से छोटा होता है। बच्चों सिर्फ इतनी इसकी डेफिनेशन है कि तमाम के लिए, ये तमाम के लिए अलामत है कि तमाम से बाद आपके दो ही अगर आपके मेंबर ए और बी दोनों मेंबर आर के हो तो सलासी कसीयत के मुताबिक ए या तो बी से बड़ा होता है या ए बी के बराबर होता है या ए बी से आपका छोटा होता है। बच्चों ये दो नंबर का क्वेश्चन है तो एक लाइन बच्चों आपने लिखनी है तो चार नंबर बच्चों आप आसानी से ले सकते हैं। दूसरे बच्चे अनुवाद की तारीफ करें। तो बच्चों ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कि अगर ये बच्चों को तुम्हारी शक्ल ए की पावर एक्स बराबर वाई के हो जबकि तीन रकमें बच्चों आपके पास है एक ए है या एक आपके पास वाई है और एक आपके पास एक्स है तो तीनों मेंबर किसके हो मतलब आर के, आर फॉर रियल नंबर होते हैं हकीकी अर्थ बच्चे। तो ए एक्स और वाई ये आपके मेंबर किसके हो मतलब बच्चों आर के हो और बच्चों ये भी इसकी भी शर्त है ए भी बड़ा हो सिफर से और आपका वाई भी बड़ा हो सिफर से। ये मेरे बच्चे आपको सिफर के से बड़े होने चाहिए असास आपका सिफर हो सकता है यानी अगर ए भी सिफर से बड़ा होगा और वाई भी बड़ा सिफर से हो ए बराबर नहीं है सिफर के यानी मतलब ये कि बच्चों बराबर सिफर के लिए सिफर के अलावा कोई रकम आपकी हो सकती है। तो एक्स जो होता है इसको बोला जाता है एक्स जो होता है ए असास ए पर वाई का लॉगरिथम कहलाता है। एक्स जो होता है ये वाई वाई बार ए का लॉगरिथम कहलाता है। उसको बच्चे लिखे गया वैसे ये कुबत पे शक्ल है तो इसको लिखा जाएगा लॉग वाई असास ए बराबर आपके एक्स के। तो ये बच्चों दोबारा मैंने लिख दिया के पावर एक्स बराबर ये बच्चों कुबत पे शक्ल है और ये आपकी लॉगरिथमिक शक्ल है। जब लॉग में लिखा जाएगा तो बच्चों असास आपका छोटा हो जाता है और इनकी जिसम जो होती है वो जगह तब्दील कर दी। ये बच्चे देख ले आप इनके सामने जगह तब्दील असास को छोटा कर दे तो ये आपका वाई इधर आ जाएगा और एक्स आपका दूसरी तरफ चला जाएगा। तो बच्चों ये मेरा डेफिनेशन आपके लॉग के बहुत ज्यादा बच्चों आपके पेपर में ये भी आ चुके हैं। तो इसके लिए बच्चों आपके पास ये होते हैं वो चार मिनट मैक्सिमम आपके पास बच्चे होते हैं। जी बच्चों ये सवाल आपका है कि बी बराबर है एक दो दो एक ये आपके बच्चे कॉलम दिए गए तो आपने तस्दीक करने हैं कि बी का ट्रांसपोज और ये ब्रैकेट लगाकर बच्चों को फिर ट्रांसपोज लिखा हुआ है इसका मतलब बच्चों डबल ट्रांसपोज आपके लिए गए। तो पहले बच्चों आप लिखिए कि बी की वैल्यू बच्चों आपके पास है एक एक दो और एक ये बच्चों आपके दी गई है। अब हम इसका ले लेते हैं ट्रांसपोज। तो बच्चों आपने दोनों तरफ का ट्रांसपोज लेना है इस तरफ का भी ट्रांसपोज लेंगे और इस तरफ का भी ट्रांसपोज लेंगे। तो बच्चों जब ट्रांसपोज लिया जाता है कतारों को कॉलम में बदल दिया जाता है या ऊपर से नीचे चलाया जाता है आपकी कॉलम है इसको कतार बना देते हैं आपका वो 1-2 बन जाएगा और 1-0 जो आपका है ये आपका बन जाएगा। इस तरह में उसको करके लिख देंगे ऊपर से नीचे लाने जो हम लेफ्ट राइट लेंगे इस तरह बच्चों आपका ट्रांसपोज हल हो गया। लेकिन यहाँ पे बच्चों ने कहा आपने इसका दोबारा ट्रांसपोज लेना है तो बच्चों हम इसका दोबारा फिर इस तरह ट्रांसपोज लेंगे ये वाली आपकी रकम जो इसका आपने बच्चों ट्रांसपोज 1, 2, 1 और 0 इसके ऊपर बच्चों हम टी भी लगाएंगे क्योंकि बच्चों हम ट्रांसपोज ले रहे हैं तो सिर्फ इसको यहाँ पे आप एक मतलब बराबर के अलावा लगा देते हैं इसका मतलब आपका चल रहा है। तो बच्चों जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये आपका कॉलम इसको रो बना दे तो 1-1 आपका आ जाएगा और ये वाले आपके हो जाएगा 2-0। तो बच्चों इसको देखे तो आपका वही आपका बी दोबारा आ जाता है तो बी का ट्रांसपोज एक दफा लिया दोबारा फिर लिया तो ये बच्चों आपका बराबर आ गया बी के। बस बच्चों आपने लिखना भी है नीचे बस साबित हुआ कि किसी भी रकम का एक दफा ट्रांसपोज लिया जाए और उसको दोबारा फिर ट्रांसपोज लिया जाए तो बच्चों जो रकम आपकी पहले होती है वही दोबारा आ जाती है। डबल आपने ट्रांसपोज बच्चों लिए एक दफा हमने ट्रांसपोज लिया था फिर हमने दोबारा ट्रांसपोज लिया है तो देखिए वही आपकी भी दोबारा जो वही रकम आपके हासिल हो गई है। तो बस ये बातचीत बच्चों आपके सामने बस साबित हुआ के लेफ्ट हैंड साइड लिख ले या इस तरह लिख ले दोनों सूरत बच्चों आपका ठीक हो जाएगा। जी बच्चों इसका जज्व नंबर 2 है मक्ता आपने मालूम करना है। तो बच्चों बी है इसकी रकम आपके पास है 3, 2, 1 और 4 के तो ये बच्चों मक्ता की अलामत लगाई जाती है। अब इसको बच्चों हम हल करते हैं तो 3 मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा 4 से तो बच्चे आपने ब्रैकेट लास्ट में लगानी है वरना आपकी अलामत गलत हो जाएगी। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 1 से तो
इस तरह तीन चार से मल्टीप्लाई होगा तो आपका आ जाएगा 12, जबकि दो एक से मल्टीप्लाई होगा तो आपके आ जाएगा 2, और इस तरह बच्चों आपका बी का मक्ता जो होगा वो आ जाएगा 10 के। और यही बच्चों आपका आंसर है जी इस क्वेश्चन का। जी बच्चे अब हम इसके चलते हैं सवाल नंबर 3। वो बच्चों आपने पहले कर लिया है सवाल नंबर 3, आपकी वो डेफिनेशन थी जो कि बच्चों आप कर चुके हैं। अब हम इसके चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। तो बच्चों ये लिखा है इसको करें मुख्तसर करें तो एक्स की पावर बच्चों आपकी 3 है, इसके ऊपर पावर लिखी है 2 और आगे तकसीम की अलामत है एक्स की पावर 3 और ऊपर बच्चों लिखी है 3 की पावर 2। तो बच्चों इसको आपने हल करना है तो याद रखे बच्चों ये ब्रैकेट के ऊपर पावर है, जब ब्रैकेट के ऊपर पावर होती है तो पावरों को आपने मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपकी पावर बन जाएगी 6, 2, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, जबकि ये ब्रैकेट के बाहर बच्चों लिखी है इसका मतलब ये 3 की पावर 2 है। अब बच्चों 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9 का 3 दो दफा मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब बच्चों देखिए दो रकमों के दरमियान तकसीम की अलामत है, तकसीम का मतलब बच्चों होता है बटा, तो इसको हम लिख देंगे बटा 9 एक्स की पावर 6 बटा एक्स की पावर 9। तो बच्चों अब x की पावर बड़ी जो होती है वो नीचे वाली यहाँ पे है तो 6 को बच्चों हम ले आएंगे नीचे, तो x की पावर जब 6 नीचे आएगी तो ये आपका आ जाएगा जी x की पावर 6। तो या बच्चों ऐसे भी कर सकते हैं जब असास तकसीम और ताकतें जो होती है वो आपकी तफरीक हो जाती है, दोनों सूरतों में आपका ठीक हो जाए, मैं दोनों सूरतों बच्चों आपको करवा देता हूँ। तो असास तकसीम और ताकतें आपकी हो जाती है माइनस, तो ये आपके आ जाएगा एक्स की पावर माइनस के 3, तो माइनस जब बटे में बच्चों लेकर आएंगे तो आपकी हो जाएगी प्लस की। एक तरीका तो बच्चों आपका ये है, दूसरा ये है कि जब रकमें तकसीम हो रही है तो इसको आप इस तरह भी करके लिख सकते हैं 9। तो बच्चों एक्स की पावर ऊपर वाली बड़ी है तो वो नीचे आ जाएगी, नीचे आकर आपकी हो जाएगी माइनस, तो इस तरह आपका 9 में से 6 निकलेंगे तो एक्स की पावर बच्चों आपकी बनेगी 3। तो दोनों सूरतों में बच्चा आपका आंसर जो है वो ठीक हो जाएगा। जो बच्चों आप बेहतर समझेंगे, जो तरीका आपको बेहतर लगे बच्चे आप कर सकते हैं। जी बच्चे इसका अगला जो जो नंबर 5 है, ए की कीमत मालूम करें, ए की कीमत मालूम करें जबकि log of आपका दिया है बच्चों 6, इसका सास आपका ए और बराबर है 0.5 के। तो बच्चों ये वाले आपके लॉगरिथम की शक्ल में दिए गए आपके क्वेश्चन, तो आपने सबसे पहले इसको लिखना है कुव्वत-ओ-नुमाई शक्ल में। कुव्वत-ओ-नुमाई शक्ल में लिखने से तो बच्चों आप लाजमी लिखना है, शॉर्ट नहीं करनी, इस तरह लिखेंगे तो बच्चों आपके इंशाल्लाह पूरे के पूरे नंबर आ जाएंगे, क्योंकि दो नंबर का क्वेश्चन आप ज्यादा शॉर्ट करेंगे तो बच्चों आपके नंबर कट जाएंगे। जब बच्चों कुव्वत-ओ-नुमाई शक्ल में लिखा जाए तो बड़ा आसान है, सास को बड़ा कर दिया जाता है, ए को बड़ा करके लिख ले और बाकी के आप जगह बदल दे, 0.5 है तो 6 बच्चों आपका उसकी जगह पे चला जाएगा, एक को बड़ा करेंगे इसके ऊपर बच्चों आपका 0.5 आ जाएगा और ये वाला 6 इधर था, तो इनकी सिर्फ बच्चों आपने जगह बदली है 6 और 0.5 की। अब बच्चे इसका इशारिया खत्म करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 5, इशारिया खत्म करेंगे तो 5/10 और बराबर बच्चों आपका 6 के। तो इस तरह 5/10 ये बच्चों आपका जाएगा कट, इसको काटेंगे तो ये बच्चों ए की पावर आपके पास आ जाएगी 1/2 और बराबर है 6 के। हमने कीमत बच्चों निकाल ली ए की, हमारे पास है ए की पावर 2 बराबर 6 के, तो बच्चों ए की पावर 2 ये मुरब्बा है तो इसका त्रिफेर का जो वो ले लेंगे मुरब्बा, क्योंकि इसको उलट आपका मुरब्बा ही होगा तो लिखना चाहिए तो बच्चों आप लिख भी दे रहे हैं त्रिफेर का मुरब्बा लेने से, सिर्फ मुरब्बा लेने से लिख दे या त्रिफेर का मुरब्बा लेने से लिख दे, दोनों सूरत बच्चों आपका ठीक हो जाएगी, आपकी कैंसिल हो जाएगी तो बच्चों 6 का मुरब्बा हो जाएगा वो आपका बन जाएगा 36। तो इस तरह बच्चों ए की कीमत आपके पास आ जाती है 36। इस तरह बच्चों आपका 5वां जो हो गया, 6ठा बच्चों आपके लॉगरिथम की डेफिनेशन वाला था वो हमने नहीं हल कर चुके हैं। तो बच्चों अब हम इसके चलते हैं 7वें जो उसकी तरफ, तो वो है बच्चों मखरज को नातक बनाएं, मखरज को नातक बनाएं। तो मखरज बच्चों बटे वाले रकम को कहा जाता है, तो मतलब इनके कहने का ये है कि बटे वाले रकम ने आपने जज़्र को हल करना है, तो आपका ये सिर्फ बच्चों 31 के ऊपर जज़्र की अलामत है, ये 4 के ऊपर नहीं। अक्सर स्टूडेंट बच्चों जब सवाल लिखते हैं तो ये सारे के ऊपर जज़्र लगा लेते हैं, इस तरह बच्चों आपका गलत हो जाएगा। जी बच्चों अब हम इसको हल करते हैं तो 15/31 का जज़्र माइनस के आपके पास 4 है, ज़र्ब की अलामत आपने लगानी है, ये बटे वाली रकम को ही हम ऊपर लिखेंगे, फर्क सिर्फ बच्चों ये डालना होता है कि इसकी अलामत बदल दी जाती है, ये पे माइनस के 4 थे तो ये पे हम लिख देंगे जमा के 4। तो इस तरह बच्चों जज़्र की अलामत सिर्फ 31 पर ही है,
तो जो रकम बच्चों आपने ऊपर लिखी है वही नीचे लिखी जाएगी। तो बच्चों देखो ये एक जैसी रकम आपस में काट दी तो आपका एक आता है, इसका मतलब बच्चों आपने कुछ भी नहीं किया है। तो मैथ का रूल बच्चे जिस रकम से जरूरत दीजिए उसी पर आपको तकसीम करना पड़ेगा। दूसरा सवाल बच्चों ये क्या हम ये करते क्यों है, करते बच्चों इसलिए कि 31 से आपने जजर से जान छुड़ानी है, जब 31 ये जजर है तो जजर मुरब्बा 31 का आएगा तो तब ये हल हो सकते हैं, इसलिए बच्चों आपने ये अमल करना होता है। इसका कॉन्जुगेट लेना होता है, ये माइनस के अगर चार थे तो ये भी आपने जमा चार कर रहे हैं, तो ये बच्चों आपके 15 है, इसको आपने मल्टीप्लाई नहीं करना, 31 का जजर जमा के चार बटा, तो बच्चों ये आपका फार्मूला है ए जमा बी इंटू ए माइनस बी वाला, ए जमा ये जमा भी है, ये आपके माइनस बी जो कि बराबर होता है ए का स्क्वायर यानी पहली रकम का मुरब्बा और माइनस आपका बच्चों आ जाएगा दूसरी रकम का मुरब्बा। पहली रकम बच्चों दोनों में आपके जजर है 31 का जजर, तो 15 इंटू 31 का जजर जमा के चार बटा ये आपका जजर मुरब्बा हो गया कैंसिल तो 31 आ गया और इसका चार का मुरब्बा बच्चों आपका बन जाएगा 16 के, तो इस तरह बच्चों आपके आ गए 15 इंटू 31 का जजर जमा के आपके पास चार और बच्चों ये जब आपके 31 में से 16 निकल जाएंगे तो आपके पास बाकी बचते हैं 15 आपके 15 से कट जाएंगे, इस तरह बच्चों आपका आंसर आ जाएगा 31 का जसर और जमा के चार और ये बच्चों आपका आंसर है जी। बच्चे अगला सवाल उन्होंने दिया है कि x की कीमत दी हुई है तो हमने मालूम कर ली x जमा 1 बटा x की कीमत मालूम करें, तो ये बच्चों बहुत ज्यादा है, वैसे तो बोर्ड के सारे पेपर है सारे के सारे बच्चों ज्यादा है, बच्चों देख रहे हैं x की कीमत आपके पास दी गई है वो है 3 का जजर जमा के 2, इसको बच्चे आप सब आत नंबर 1 कह ले और हमने बच्चों मालूम क्या करना है, हमने मालूम करना है x जमा 1 बटा x। तो बच्चों देखिए x तो आपके पास 1 बटा x नहीं है तो पहले हम 1 बटा x निकालेंगे। अब देखिए 1 बटा x का मतलब x की रकम जो थी आपके बटे में आ गई तो ये आपका आ जाएगा 1 बटा 3 का जजर जमा के 2। बच्चों जब हल किया जाता है तो उसका हम कंजुगेट लेकर करते हैं, ये नीचे वाली रकम ऊपर चली जाएगी, सिर्फ ये अगर जमा के 2 लिखा है तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस के 2, जो रकम बच्चे ऊपर लिखी जाती है वही हमने नीचे लिखनी होती है, एक ऊपर वाली से मल्टीप्लाई होगा तब ऐसे कैसे आ जाएगी। और ये बच्चों आपका फार्मूला बन ए जमा बी इंटू ए माइनस बी, तो 3 बच्चों ये आपका बन जाएगा 3 का मुरब्बा यानी जजर मुरब्बा और दूसरा आपका बन जाएगा 2 का जजर मुरब्बा 3 का जजर माइनस के 2, तो ये बच्चों आपका जजर मुरब्बा हो जाएगा कैंसिल और ये 2 का मुरब्बा जो होगा आपका बन जाएगा माइनस के 4 3 का जजर माइनस के 2, माइनस के 4 में से आपके बच्चों 3 निकल जाएगा तो बाकी आपके पास बचेगा माइनस का 1। तो बच्चों माइनस का 1 वैसे ही बटे में लिखा जाता है तो ये माइनस की अलामत है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर वाली रकम की बच्चों आपकी अलामतें बदल जाएगी, जमा वाली माइनस और माइनस वाली जमा हो जाएगी, इस तरह बच्चों एक्स जमा 1 बटा एक्स की मतलब आपके पास ये वाली आती है और इसको हम नाम देंगे वो सवाल नंबर 2। अब बच्चे सवाल को देखिए कि हमने करना क्या है, आपने जमा करना है x और 1 बटा x को, तो बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे मुसाबात 1 और 2 को जमा करने से, तो बच्चे हम मुसाबात में होते हैं लेफ्ट राइट है इसलिए तरफ़ेल लिखना तो लाजमी नहीं लिखना चाहिए तो आप लिख सकते हैं, तो x जमा 1 बटा x, x की तो बच्चों आपके पास है 3 का जजर जमा के 2 है, आगे जमा की अलामत है या फिर हम मैंने इंटू भी लगाएंगे 3 का जजर और प्लस के बच्चों आपके पास है 2 3 का जजर जमा 2 ब्रैकेट के बाद जमा की अलामत है तो अंदर वाली अलामत तो बच्चों कोई तब्दीली नहीं होगी वैसे की वैसे ही आ जाएगी, तो ये जमा का 3 का जजर बच्चों माइनस के 3 के जजर से आपका हो जाएगा कैंसिल और 2 बच्चे आपके हो जाएंगे 4, इस तरह x जमा x की कीमत बच्चों आपकी निकलती है 4 के और ये बच्चों आपका आंसर है जी। बच्चे अब हम चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ, वो आपके x का स्क्वायर माइनस के हैं 11x और माइनस के हैं 42, तो बच्चों आपने इसकी करनी है तजी x का स्क्वायर माइनस के 11x और माइनस के 42 की तजी करें, तो बच्चों बराबर की अलामत भी आपने लाजमी लगानी है, x का बच्चे 14 को 3 से मल्टीप्लाई करें आप टेबल इसका पढ़ें, 14 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आपके 42 बन जाते हैं, माइनस के 14 ले लें
और जमा के बच्चों हम 3 ले लेंगे, 14 माइनस के 3 निकलेंगे तो आपके माइनस के 11 बन जाते हैं, और ये पे आपके आगे 42। इस जोड़े में कॉमन आपका निकलेगा x, तो बच्चों बाकी रहेगा x माइनस के 14 ब्रैकेट, और इस जोड़े में जो आपने कॉमन ले लिया है जमा के 3 कॉमन निकलेंगे तो ये पे आपके आ जाएंगे माइनस के 14। तो ब्रैकेट वाली रकम बच्चों x माइनस 14, x माइनस के 14, ये इसको हम पहले लिख लेते हैं। इसके बाद बच्चों x जमा ये x और जमा के 3, बच्चों यहाँ पे कोई रूल नहीं है, चाहे आप x जमा 3 पहले लिख लें या x के माइनस के 14 पहले लिख लें, दोनों सूरतों में बच्चों आपका ठीक हो जाएगा। तो बच्चों ये आपका आखिरी क्वेश्चन था, दो नंबर का है, 4 मिनट बच्चों आपके पास होते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।